वेलकम बैक टू माई न्यू वीडियो। तो आज का वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड वीआई सोच लीजिए, क्योंकि आज के टॉपिक में मैं बताऊंगी कि जो DSSP का एग्ज़ाम आउट डेट आउट हो चुका है एग्ज़ाम का, जो आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा, तो उसका एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, क्या क्या सब्जेक्ट से कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या क्या पूछे जाते हैं, ये सारा कुछ आपको इस वीडियो में डिटेल देखने को मिलेगा। इसलिए लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और जो जो एग्ज़ाम देने वाले उसके पास शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए। तो चलिए, आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। फर्स्ट ऑल ऑफ की DSSP का जो एग्ज़ाम है वो CBT टेस्ट के द्वारा होगा, मतलब कंप्यूटराइज टेस्ट आपका एग्ज़ाम पैटर्न होगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट स्टेप बात करते हैं कि इसमें क्या क्या सब्जेक्ट होगा। तो इसको ना दो पार्ट में बांटा गया है, ठीक है, एक सेक्शन ए में और एक सेक्शन बी में। सेक्शन ए में आपका नॉन नर्सिंग का क्वेश्चन रहेंगे, जो टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का रहेंगे, और आपका जो सेक्शन बी होता है वो नर्सिंग, मतलब आपका जो एजुकेशन है उस रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा, उसमें भी 100 क्वेश्चन और 100 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होगा। अब नेक्स्ट स्टेप में बात करते हैं कि कौन से सब्जेक्ट से कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए फटाफट मैं आपको बताती हूँ, मैंने एक जगह नोट कर लिया है कि कौन सा सब्जेक्ट से कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मैं सोची आपको भी क्यों ना बता दूँ, ताकि आपको भी थोड़ा आइडिया मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ, जैसे मैंने बताया कि नॉन नर्सिंग और नर्सिंग दो पार्ट में बटेगा, तो सेक्शन ए और सेक्शन बी। तो पहला इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें सबसे पहले ज़्यादा नॉलेज नर्सिंग का होगा, ठीक है। तो हमेशा सेक्शन बी का क्वेश्चन टच कीजिएगा, मतलब ये मेरा, अगर मैं बोलूँ तो सेक्शन बी पहले टच करना चाहिए, उसके बाद सेक्शन ए, क्योंकि वो नॉन नर्सिंग क्वेश्चन है। अगर उसमें हम लोग टाइम वेस्ट कर दिए तो फिर नर्सिंग का क्वेश्चन जो आ रहा है वो भी छूट जाएगा। इसको चलिए स्टार्ट करते हैं नॉन नर्सिंग से सेक्शन ए, कि आपका क्या क्या सब्जेक्ट में कितना मार्क्स है। जैसे कि फर्स्ट नंबर वन में आपका आ जाएगा जनरल अवेयरनेस, जिसमें आपका, मतलब जनरल नॉलेज बोल सकते हैं, जिसमें 20 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा और 20 क्वेश्चंस भी रहेंगे, ठीक है। सेकंड नंबर में आप आ सकते हैं जनरल इंटेलिजेंसी, मतलब रीजनिंग एबिलिटी, मतलब रीजनिंग क्वेश्चंस, इसमें जो 20 मार्क्स का पूछा जाएगा और 20 क्वेश्चंस रहेंगे। थर्ड पॉइंट में आपका आ जाएगा अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, मतलब न्यूमेरिकल्स भी रहेगा इसमें, तो आपका इसका भी 20 मार्क्स का एग्ज़ाम और 20 क्वेश्चंस भी रहेंगे, ठीक है। फोर्थ नंबर में आपका हिंदी लैंग्वेज से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये भी 20 मार्क्स का और 20 क्वेश्चंस रहेंगे। और आपका लास्ट ऑफ ऑल नॉन नर्सिंग में इंग्लिश लैंग्वेज को भी पूछा जाएगा, जिसके आपका 20 मार्क्स और 20 क्वेश्चंस रहेंगे। तो टोटल इसमें 100 मार्क्स के 100 क्वेश्चन बोला जाए तो हैं, ठीक है। अब बात करते हैं सेकेंड, जिसमें नर्सिंग है, जो मतलब हम लोग जो पढ़े हैं उस रिलेटेड आपका कौन कौन सा सब्जेक्ट से कितना मार्क्स का क्वेश्चन और कितना क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब कौन सा सब्जेक्ट में ज़्यादा पूछा जाता है, कौन सा सब्जेक्ट में कम पूछा जाता है। वैसे तो सारे सब्जेक्ट ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं फिर भी, तो चलिए सेक्शन बी की तरफ चलते हैं। तो सेक्शन बी में नंबर वन में आपका आ जाएगा कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, जो कि 15 क्वेश्चन इस सब्जेक्ट से आपको पूछा जा सकता है, ठीक है, 15 क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरे नंबर में आपका सेकंड में आ जाएगा फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, इसमें भी आपका 15 क्वेश्चन पूछा जाता है। थर्ड में आपका आ जाएगा MS और MS2, मतलब मेडिकल सर्जिकल जो हमारा बुक होता है, इसमें टोटल 21 क्वेश्चन पूछा जाता है, और इसका सबसे ज़्यादा वेटेज होता है, मतलब MS1 और MS2 का। इस बुक्स को तो अच्छे से इसके सारे क्वेश्चन क्लियर कर लीजिएगा, डाउट्स क्लियर कर लीजिएगा, इसमें 21 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फोर्थ नंबर में आपका आ जाएगा न्यूट्रिशन, जिसमें आपका चार क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। माइक्रोबायोलॉजी से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन और रिसर्च, जो हम लोगों ने इंटर्नशिप में पढ़ा हुआ रहता है, उससे हमारा 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेवन्थ में आपका आ जाएगा ऑप्स एंड गाइनी, और किसका फेवरेट सब्जेक्ट है ऑप्स एंड गाइनी, इससे आपका 15 सब्जेक्ट पूछा जाएगा। उसके बाद 8 नंबर में आपका है पीडियाट्रिक से आपका 7 क्वेश्चन पूछा जाता है,
और लास्ट ऑफ ऑल साइकेट्रिक, जिससे आपका 11 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये टोटल मिला के 100 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपका टोटल मार्क्स ऑफ एग्जामिनेशन 200 का होता है और 2 आवर का एग्ज़ाम होता है। तो आपको आइडिया मिल गया होगा कि कौन सा सब्जेक्ट का वेटेज कितना ज़्यादा है। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा नॉलेज के लिए आपको आइडिया। मैं आपको बता दूँ कि हमारे जो उत्कर्ष क्लासेस होते हैं वहाँ पे हमारे लिए टेस्ट सीरीज, मतलब 15 क्वालिटीज़ के टेस्ट सीरीज अभी 300 प्राइस में आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि 28 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। तो आप जाके उसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आई होप आप लोग के लिए ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, मतलब बहुत अच्छा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और प्लीज़ वीडियो को अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि मुझे भी अच्छा लगे कि हाँ मैं जो बना रही हूँ आप लोग को अच्छा लगे, इसे पता चल सकता है। और अगर आपको कुछ भी और भी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं कमेंट। बाय बाय।